धनबाद के बीसीसीएल एरिया 1 के मुरैरी कोलवरी कोलडम में वर्चस्व को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे मारपीट पत्थरबाजी की घटना घटी। बमबाजी और कई राउंड फायरिंग भी हुई। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना मिलने के बाद बरोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। सीआईएसएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे हैं। दोनों पक्षों में घायल का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इलाज के दौरान अस्पताल में भी दोनों पक्ष मारपीट कर लिए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक गुट डीओ होल्डर कन्हाई चौहान का है, जबकि दूसरा गुट बागमारा विधायक ढुलु महतो समर्थक है। विधायक समर्थकों का कहना है कि रंगदारी कर कन्हाई चौहान कोल डंप में ट्रक लोडिंग करवाने पहुंचे थे, जिसका विरोध करने पर कन्हाई चौहान के समर्थकों के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट के साथ ही बमबाजी और करीब 10 राउंड फायरिंग की गई। वहीं घटना को लेकर डीओ होल्डर कन्हाई चौहान ने विधायक ढुलु महतो के ऊपर प्रति टन 1,000 रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। कन्हाई चौहान का कहना है कि मेरे द्वारा गोली बम चलवाने की बात बिल्कुल निराधार है। 8 डीओ होल्डर का ऑथराइजेशन लेटर विशिशियल में जमा किया गया था। थाना प्रभारी द्वारा थाना बुलाया गया था। थाना में कोल डंप में ट्रकों की लोडिंग को लेकर वार्ता होनी थी। इसी बीच मारपीट गोलीबारी और बमबाजी के थाना प्रभारी को फोन पर सूचना मिली। कन्हाई चौहान ने बताया कि प्रति टन 1,000 रंगदारी की मांग विधायक ढुलु महतो कर रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर कोयला उठाव बाधित रखने की चेतावनी दी गई है। कन्हाई चौहान ने कहा कि हमारा अपना 55 दंगल है, हम अपना कोयला 55 दंगल से उठवाने का काम करेंगे। रंगदारी नहीं देने पर दूसरे दंगल में शामिल मजदूरों के द्वारा स्टीम कोयले की जगह ROM कोयला भरवाने की चेतावनी भी दे दी गई। साल 2013 में ऐसी मामला सामने आया था, जब कोयला की जगह पत्थर लोड कर दिया गया। बरोड़ा एरिया 1 में के GM पीयूष किशोर विधायक ढुलु महतो के लिए काम कर रहे हैं। पहले जब पीयूष किशोर PO थे, उस समय भी इसी तरह की मारपीट हुई थी। फिलहाल घायलों का उपचार संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। हम लोग आज बरसों से वहीं पे काम करते आए हैं और गाड़ी घोड़ा भी हम लोग का वहीं पे चलता है। मजदूर के हक के लड़ाई के लिए हम लोग वहाँ पे रुके थे। इसमें कन्हाई चौहान अपना साजिश के तहत कोलियरी बंद करने के लिए और गरीब मजदूरों का हक पेट पे लात मारने का साजिश रच रहा है, और उसका भतीजा का स्टेटमेंट था उमेश चौहान का कि इस बार लेबर लोग को दुर्गा पूजा नहीं मनाने देना। आखिर क्यों? बस वही अपना रंगदारी और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। वो अपना गाड़ी में VIP माल लादने बोलता है, नहीं लादने पर लेबर लोग से रंगदारी मांगा जाता है कि हम हर अपना अपना गाड़ी में एक गाड़ी लोड करने के लिए 7 से 8 टीप बर्बाद करता है, जबकि हम लोग और भी पार्टी का गाड़ी लोड होता है जो मजदूर उसको एक ट्रिप में एक गाड़ी लग जाता है और उसका 7 से 8 ट्रिप में एक गाड़ी लगता है। एक गाड़ी लदाने में हम लोग 7 से 8 ट्रिप बर्बाद करते हैं। वही अगर वो अपना अगर लेबर के प्रति सोचता तो 7 से 8 दंगल का गाड़ी लगता और 70 आदमी का रोजगार चलता, लेकिन उसका मंशा है सिर्फ कि हम किसी तरह डिस्टर्ब करके और कोलियरी को बंद करके गरीब मजदूर को पेट में लात मारा जाए, जो कि हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरते दम तक कन्हाई चौहान का ये मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। इस मामले को आप जिला प्रशासन से अवगत कराए हैं क्या? इसमें सब प्रशासन, इसके पहले भी हम लोग का 1 साल कन्हाई चौहान के माध्यम से ही लड़ाई हुआ था, जो साल भर कन्हाई चौहान का ही देन है कि बंद करा के सब मजदूर को भूखे मारने का काम किया है। इसके पहले हम लोग लेबर लोग 20 गो गाड़ी उसका लोड भी किए थे, जो कि अभी आज तक भी वो लेबर लोडिंग नहीं देने का काम किया है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अगर नहीं अपना सोच को बदलते हैं तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम सभी मजदूर मिलकर उसका भरपूर विरोध करेंगे। किसी भी हाल में पूजा और त्यौहार के दिनों में कोलियरी को बंद नहीं होने देंगे। यही मांग है हम लोग, मेरा जिला प्रशासन और कानून से। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग गाड़ी लोड करने के लिए आए हैं। हम लोग ओरिजिनल लेबर हैं, तो हम लोग भाई कह रहे से गाड़ी कल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। कल से हम लोग को वो लोग अड़चन लगा के रख ले हैं। कौन लोग? कन्हाई चौहान का आदमी। क्या हुआ था? अभी आदमी लड़ाई कर मार करने के लिए खोज रहा है। अभी पत्थर भी चला है। हाँ,
अभी पत्थर चला, गोली भी चला, बम भी चलाया है वो लोग। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है कि कन्हा चौहान जबरदस्ती गाड़ी घुसाया है 2 बजे के समय में, और वो जबरदस्ती लोड करवा रहे थे मनमानी। आप क्या है यहाँ पर? हम सरदार है यहाँ का, लेबर सरदार है। पुलिस कुछ मदद कर रहा है? पुलिस क्या मदद कर रहे सर, यही तो हम लोग को मार। कितना आदमी घायल हुआ है? अभी तो एक ही आदमी को हम देखे हैं सर, और को तो देखे नहीं है सर। हम लोग लेबर है, और वो जो भेजे हैं पब्लिक लोग को लड़ने के लिए, तो किस लिए भेजे हैं? रंगदारी चाह रहा है क्या? हाँ, रंगदारी चाह रहा है, कन्हा चौहान रंगदारी चाह रहा है। तो आप लोग किसके पक्ष से हैं? हम लोग ढुल्लू टाइगर के पक्ष से हैं। हम लोग अपने पेट के लिए हैं सर, ढुल्लू टाइगर भी कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने पेट के लिए है सर। हम बारूद आप ही चलवाए, लेबर लोग बोल रहा ये सारा सर निराधार है। हम लोग डीओ होल्डर हैं, हम लोग 8 गो डीओ होल्डर का आपका ऑथराइजेशन जमा किया हुआ है BCCL में। MS कन्हा चौहान, MS उमेश चौहान, शंकर फील्ड, संजय लोयलका का है, पूनम है, मुकेश कंपनी है, जय दादी जी है, हम लोग दिए हुए थे। यहाँ थाना से आदमी गया कि आप लोग को थाना में, यहाँ आया पर थाना में, हम लोग घर में थे, हम लोग को बुलाया गया कि आप लोग थाना आइए। हम लोग सारा आदमी चले गए थाना। क्यों? ये मैं बोले बड़ा हूँ कि हम फैसला करेंगे और तब जाके कोई काम चालू होगा। हम लोग बड़ा बहू के सामने बैठे हुए हैं, बैठे बैठे महेंद्र मुखिया जी बड़ा बहू को फोन किए मेरा सामने। बड़ा बहू उठाए फोन तो बोले कि फोन है, तो हम कहे सर फोन कर रहा था, महेंद्र मुखिया जी कर रहे हैं। तो हम कहे सर स्थिति बिगड़ रहा है, अब जल्दी वहाँ से फोर्स लेके जाइए, फोर्स वहाँ लीजिए। तो अभी जो यहाँ लाठी गोली बम चला, वो कौन चलाया है? ये चलाने में अजय महतो है, किशोर सिंह है, अजय महतो है, किशोर सिंह है, राजू सिंह है, पीछा मंडल है, आपका मदन साहब है, आपका उसका भाई आकाश ने क्या नाम होता। आखिर ये गोली बम चल क्यों रहा है? रंगदारी के लिए, डीओ होल्डर से 1,000 रुपया प्रति टन ढुलू महतो का रंगदारी चाहिए, वरना डीओ अति कोयला उठाव का यहाँ काम बाधित रहेगा, कोयला नहीं उठेगा। हम लोग मरते दम तक उसको 1 रुपया रंगदारी नहीं देंगे। हम लोग प्रशासन से गुहार लगाए हैं, यहाँ तक कि सब जगह इन्फॉर्मेशन भी दिए हैं कि हम लोग को डीओ के लिए 1,000 रुपया रंगदारी मांग रहा है। ढुल्लू महतो कहता है 1,000 रुपया एक्सपोर्ट ऑक्शन से लिया जाए और 900 रुपया आपका लिंकेज से लिया जाए। हम क्या चाहते हैं क्या आप लोग? हम लोग तो अपना शांति से कोयला उठाना चाहते हैं। उसका लेबर कहता है कि आपका स्टीम भी गाड़ी घुसेगा तो ROM भर देंगे, वो आपका डिस्पैच में उसका लेटर भी छापा हुआ है, अगर देखना है तो लेटर मेरे पास मौजूद है। ये देखिए लेबर क्या कह रहा है, इसको भी देखा जाए। कह रहा है कि हम स्टीम के डीओ में ROM लोड करेंगे, तो हम लोग का अपना 55 दंगल है, हम लोग का अपना 55 दंगल है शताब्दी में मुरैडी में। हम लोग कोयला अपना लेबर से उठाएंगे, अपना मजदूर से उठाएंगे, क्योंकि ये 2013 में RN चौधरी बड़ा बाबू थे और आपका SSP साहब सिजवा के DSP थे। उस समय चंदेल डीओ में वो लोग क्या किया, सादा पत्थर डालकर और कांटा करवा के भेज दिया था, वो दिन फिर दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग अपना लेबर से अपना गाड़ी भराएंगे। हम लोग को 55 दंगल लेबर है। अगर नहीं होता तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग SSP से गुहार लगाएंगे, लेबर लेके वहाँ जाएंगे, हम लोग सारा वहाँ जाएंगे। हम लोग रंगदारी 1 रुपया नहीं देंगे ढुल्लू महतो को। आयुष में POS किशोर जो GM बन के आए हैं वो मिला हुआ है, ढुल्लू महतो का कोई बोलता है रिश्तेदार है, ये तो हमको पता नहीं है। 2021 में भी लड़ाई POS किशोर के समय में यहाँ गोली बम चलवाया था ढुल्लू महतो, इसका केस वहाँ दर्ज है बरोड़ा थाना में। यही POS किशोर जब जब यहाँ आएगा तब तक गोली बम और बारूद चलेगा, ना CSF को भी कुछ में वैल्यू देता है POS किशोर और ना ही किसी और व्यक्ति को। मुरैडी जो कुल डंप है अभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हिंसक झड़प है, पुलिस को क्या सोचना है, क्या कोई शिकायत आया है और पुलिस किस तरीके से उसको अब जो से रोकने का प्रयास करेगी? मुरैडी लोकल सेल में कोयला उठाव को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा परसों से ही BCCL के कार्य को ठप किया गया था। इसी के एवज में, इसी को लेकर के आज थाना में दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया था वार्ता को लेकर के। इसी दौरान खबर आया कि कुछ दोनों पक्ष के लोग आपस में कांटा घर के आसपास भिड़ गए हैं, जिसके बाद जाकर के पुलिस बल के द्वारा दोनों को अलग किया गया है और वर्तमान में कांटा घर के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज के हुए घटने के संबंध में अभी तक आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु आवेदन
प्राप्त होते हैं अन्य स्रोत जो भी माध्यम है उस माध्यम से जांच करके जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही जो भी कोयला उठाव को लेकर के जो समस्या है उस समस्या को समझ करके उसका एक सही निदान किया जाएगा। कुछ फायरिंग के भी सूचना है? इस तरह की घटनास्थल से कोई अवशेष नहीं मिली है, परंतु शिकायतकर्ता के आवेदन में अगर कुछ ऐसा उल्लेख होता है तो उस पर जाँच किया जाएगा जो भी माध्यम है। फिलहाल शांति बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया गया है? शांति को देखते हुए उस जगह पे पुलिस बल की तैनाती की गई है और अन्य जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नज़र बनाए हुए है? पुलिस नज़र बनाई हुई है, अपने को अपने हुए है।